नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का किया उद्घाटन। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी हुआ आयोजन। उद्घाटन समारोह में कई राजनीतिक दल भी रहे उपस्थित। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 21 अधिनियम ने पीएम मोदी को सौंपा सेंगोल। नए संसद भवन में सनातन धर्म परंपरा के प्रतीक धर्म दंड की हुई विधिवत स्थापना। आज पूरा देश मना रहा है महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में दी श्रद्धांजलि। श्री अध्यक्ष जानंद देव तीर्थ जी महाराज ने बांग्लादेश स्थित श्री शैल महालक्ष्मी शक्ति पीठ में किया देवी का दर्शन पूजन। बोले, मातृ शक्ति के बिना भगवान महादेव भी हैं अपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले चीन पर बनी अमेरिकी संसद की शक्तिशाली समिति का अनुमोदन। भारत भी बने नाटो प्लस का हिस्सा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आरएसएस बजरंग दल के विरुद्ध मस्जिद के बाहर विवादित पर्चे बांटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने की थी पुलिस से शिकायत। यूपी सहित 5 राज्यों में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया 45 करोड़ रुपए का फंड। उत्तम चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही दवाओं का भी होगा भंडार। बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को धूप और गर्मी से बचाने के लिए मंदिर प्रशासन ने लगवाए टेंट और मैट। भगवान श्री राम के दर्शन पूजन को अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 25,000 क्षमता वाला दर्शनार्थी सुविधा केंद्र बनकर तैयार। श्रद्धालुओं की सुख सुविधा की है पूरी व्यवस्था। दिव्यांगता से हार नहीं माने प्रयागराज के प्रियम। एक हाथ से बजाते हैं पियानो। संगीत संस्थान खोलने का है स्वप्न। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।